पहली सभा मंडी से ही हो रही है, सुंदरनगर में हो रही है। और यहां इतनी बड़ी संख्या में आप लोग होंगे, हमारी माताएं बहनें बेटियां हम सबको आशीर्वाद देने आई हैं। और मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, पूरे रास्ते भर जो प्यार, जो उमंग, जो आशीर्वाद देखते ही बनता था। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। साथियों, देवभूमि से मेरा नाता इतना निकट रहा है कि आज सुंदरनगर में भी मैं पहले भी बहुत बार आना होता था। मैंने निहरी की चढ़ाई भी चढ़ी है और सराज, कुल्लू, किन्नौर, चंबा और कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र भी पैदल नापे हैं दोस्तों। यहां के रास्ते ये सुंदर नगर की इतनी सुंदर बीबीएमबी झील, उसे कोई कैसे भूल सकता है। और जब मैं मंडी शहर की और फिर यहां से जब जाता था तो अक्सर यहां रास्ते में चाय पीना, यहां की दुकानों से लोगों से गप्पे मार रहा, ये मेरा एक प्रकार से क्रम बन गया था। तब ना मैंने सोचा था कि एक दिन हिमाचल प्रदेश की देश की सेवा का मौका मिलेगा, आप सबके आशीर्वाद से मिलेगा और सुंदरनगर के मेरे पुराने सभी साथी उनको भी, वो पुरानी बातें याद करते होंगे तो आश्चर्य होता होगा, हम लोग घंटों घंटों गप्पे लड़ाया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे। हमारे ठाकुर गंगा सिंह जी, हमारे दिलेराम जी, हमारे दामोदर दास जी, ऐसे अनेक संयोगों में भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे कुछ समय पहले ही यहां सुंदरनगर के होनहार सपूत बॉक्सर आशीष चौधरी से भी याद है, उनसे बातचीत करने का मौका मिला था। टोक्यो ओलंपिक जाने से पहले जब वो स्पेन में ट्रेनिंग ले रहे थे तब मेरी उनसे बात हुई थी। पिता की मृत्यु के बाद जिस तरह का हौसला भाई आशीष ने दिखाया वो सब लोग नहीं दिखा पाते। सुंदर नगर के लोगों की यही बात पूरे हिमाचल की पहचान है, ये पहाड़ी लोगों की पहचान है। साथियों, मैं आज सुबह जब दिल्ली से निकला, आप लोगों के पास आ रहा था, तभी मुझे स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता और कल्पा किन्नौर के रहने वाले श्याम शरण नेगी जी के दुखद निधन की भी खबर मिली। 106 वर्षीय नेगी जी ने अपने जीवन में 30 से ज्यादा बार मतदान किया था। इतना ही नहीं, अभी दो दिन पहले 2 नवंबर को ही ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके लिए भी उन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट दिया था।
जाने से पहले भी उन्होंने मतदान करके अपना कर्तव्य निभाया, ये बात हर देशवासी को, खास करके मेरे युवा मतदाताओं को, हर नागरिक को सदा सर्वदा प्रेरित करती रहेगी। मैं बहुत ही भावुक मन से परमादरणीय श्याम शरण नेगी जी को सर झुका करके श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथियों, इस बार का हिमाचल चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि इस बार 12 नवंबर को जो वोट पड़ेंगे वो वोट सिर्फ आने वाले 5 वर्ष के लिए नहीं है। इस बार 12 नवंबर को पड़ने वाला एक एक वोट हिमाचल के अगले 25 साल की विकास यात्रा तय करेगा। कुछ महीने पहले ही हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष हुए हैं, कुछ सप्ताह पहले ही भारत ने भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, उसी के आसपास हिमाचल भी अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करेगा। इसलिए अगले 25 साल का ये कालखंड बहुत ही अहम कालखंड है। अमृत काल के इन वर्षों में हिमाचल में तेज विकास जरूरी है, स्थिर सरकार जरूरी है,